नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा सांसद ने तंज कसते हुए कहा, नीतीश का सपना नहीं होगा पूरा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। विपक्ष के महागठबंधन पर राजद नेता मनोज झा ने कही ये बात। अदानी ग्रुप का चीन के साथ लिंक होने का कांग्रेस ने किया इशारा। जब मैं अपने काम गिनवाता हूँ तो कुछ लोगों को होती है तकलीफ, पीएम मोदी। भाजपा सांसद ने तंज कसते हुए कहा, नीतीश का सपना नहीं होगा पूरा। बिहार में सियासी बयानबाजी हिंसा मामले को लेकर अब भी जारी है। दरअसल नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपराध बिहार में अपने चरम पर है, हत्या और लूट की घटना यहां आम हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा ही प्रायोजित सासाराम की हिंसा थी, दंगे की जानबूझकर भड़काया गया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले हैं, लेकिन वे कभी नहीं बन सकते हैं, उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। जदयू नेता विजय चौधरी ने बताया पीएम पद का दावेदार। नीतीश सामान्य विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर लाने के प्रयास में कई विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल चुके हैं। ऐसे में लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रधानमंत्री के पद का दावेदार कौन होगा। अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता तथा सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि भाजपा कह रही है कि अभी पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए सभी विपक्षी दलों ने यह फैसला लिया है कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर प्रधानमंत्री पद की रिक्त बनाएंगे। एक बार जब रिक्त बन जाएगी तब इसके नए पदधारक का चयन भी आपसी समझदारी के साथ और बिना किसी परेशानी के तय हो जाएगा। विपक्षी एकजुटता पर हमलावर हुए सम्राट चौधरी। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश की कोशिशें लगातार जारी है। दिल्ली दौरे से आने के बाद उन्होंने कहा कि कई लोगों से मुलाकात हुई है और सभी विपक्षी एकजुटता के पक्ष में हैं। लेकिन अब विपक्षी एकता की कोशिशों को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा असफल करार दे दिया गया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है, जिन वजहों से विपक्ष का मनोबल टूट गया है। यही वजह है कि जो लोग एक दूसरे को पानी पीकर कोसने वाले हैं, वे सभी आज एक साथ खड़े होने को मजबूर है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसमें शामिल होने वाला हर दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। ऐसे में नीतीश और तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि विपक्ष की बारात का दूल्हा कौन है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की मुठभेड़ में मौत के संबंध में प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने इस एनकाउंटर को चुनाव से जोड़ते हुए कई सवाल किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने एक ब्राह्मण माँ बेटी पर बुलडोजर चलवाया था, उन्हें क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया गया। साथ ही साथ उन्होंने अपने आगे कहा कि बलिया में एक छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसकी मुख्यमंत्री स्वजातीय लोगों ने मार मार के जान ले ली। क्या आज का भारत यह है कि कमजोर की जान ले ले? क्या संविधान में जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे? आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कह दी ये बात। कई बार बिहार के राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में बनाने की चर्चा तेज है। जब से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए तब से ये बातें सामने आ रही है। वहीं जदयू के कार्यकर्ता भी अपने नेता नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर निकले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री वाली बात पर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह ने उनका मजाक उड़ाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने इन वाक्यों का अर्थ भी समझाया, जहां उन्होंने कहा कि पी से पलटी और एम से मार, यानी पलटी मार। ये कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप तो समझ ही गए होंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने ईडी पर लगाया आरोप। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा ईडी पर आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ईडी की जांच कैसे झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और प्रूफ आज हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद सभी बीजेपी प्रवक्ताओं को माफी मांगनी पड़ेगी। ईडी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर 14 फोन तोड़ने के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने जिन 14 फोन के टूटे, गायब होने और तोड़े जाने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया था, वो सब चालू है। इसमें से 5 फोन ईडी के पास होने की बात भी उन्होंने कही है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका से मांग करता हूं कि ईडी के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईडी ने जो फोन अपने पास सीज करके रखा है, उसको न्यायालय में तोड़ दिया गया कहकर पेश किया गया। विपक्ष के महागठबंधन पर राजद नेता मनोज झा ने कही ये बात।
सियासी गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां विपक्षी दल एकजुट होने में लगे हैं, वहीं भाजपा के तरफ से भी आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, जहां तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अब इसे लेकर आरजेडी नेता मनोज झा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 4 महीने के अंदर विपक्ष का महागठबंधन होगा, सभी एक साथ मंच साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि चेहरे की इर्द गिर्द राजनीति नहीं होगी, ताकि लोकतंत्र कमजोर ना हो। सीएम नीतीश की जिम्मेदारी है कि वो कुछ लोगों से बात करेंगे, साथ ही कुछ लोगों से बात करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी दी गई है। अदानी ग्रुप का चीन के साथ लिंक होने का कांग्रेस ने किया इशारा। अदानी ग्रुप का चीन के साथ लिंक होने का इशारा एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा किया गया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि संयुक्त संसदीय समिति की जांच के बाद ही साफ होगा कि अदानी ग्रुप के चीन के साथ क्या संबंध है। बता दें कि मॉरिस चांग की सफाई के बाद ही कांग्रेस का यह आरोप सामने आया है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा पूछा गया कि अदानी को चीन के साथ कथित संबंधों के बावजूद भारत में बंदरगाहों का संचालन करने की अनुमति क्यों दी गई और सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उनके पसंदीदा व्यवसायिक ग्रुप के बारे में पूछा था। अदानी समूह के चीनी नागरिक मॉरिसस चांग चुंगलिंग के साथ संबंध है, जो विनोद अदानी के साथ अदानी समूह की कई कंपनियों के निदेशक रहे हैं। पनामा पेपर्स में भी उनका नाम सामने आया था। सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भी ईमानदार पीएम मोदी का नहीं कर सकते मुकाबला, सुशील मोदी। विपक्षी एकता को लेकर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी द्वारा नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों की एकता के लिए दिल्ली गए। उन्होंने शुरुआत चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेकर की और अरविंद केजरीवाल से मिले, जिनकी सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं। आगे उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले चार्ज शीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव को साथ लेकर राहुल गांधी से मिले, जो नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि देश के सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भी ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा को मत दीजिए वोट, सीएम नीतीश। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संबोधित करते हुए यह आह्वान करते हुए कहा गया है कि अगर भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे तो आपका भी विकास होगा और साथ ही देश का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। केंद्र को कहा जा रहा था कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोग तो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, अगर भाजपा को वोट देते हैं तो अपना नाश करेंगे, यह बात आप समझ लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी और शाह पर हमला करते हुए बोलते हुए कहा कि इससे पहले जो नेता थे यानी कि अटल जी, ये लोग उनको भी नहीं मान रहे। अटल जी हमको कितना मानते थे, लेकिन आज सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है। ये लोग भाजपा का पूरा इतिहास बदल देंगे। यह लोग जो कहेंगे वही बात आप लोग मानेंगे। आप लोग सभी बातें भूल जाइएगा। भाजपा ने उड़ीसा सरकार पर लगाया आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा उड़ीसा सरकार पर पुरी में 15,000 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि आरोप संबित पात्रा के द्वारा बीते दिन बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में वेदांता विश्वविद्यालय को लेकर उड़ीसा सरकार और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद लगाया गया है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सस्मित पात्रा के द्वारा संबित पात्रा के आरोपों को बीजेपी की अंदरूनी कलह को मामला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की उड़ीसा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल तत्कालीन राजस्व मंत्री थे, जब पुरी में प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए वेदांता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके अलावा सामल ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए इस पर सरकार का बचाव भी किया था। इन 5 राज्यों के सीएम को यूपीए में लेकर आएंगे नीतीश। नीतीश कुमार 5 राज्यों के सीएम को यूपीए में लेकर आएंगे, इस बात का दावा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद द्वारा किया गया है। बता दें कि इन 5 राज्यों के सीएम में तेलंगाना की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सही समय पर नीतीश को यूपीए संयोजक या फिर कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर निर्णय किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश की तारीफ भी की और कहा कि वे पीएम समेत हर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। विपक्ष के एकजुट होने की बात पर बीजेपी डरी हुई है वाली बात पर भी उन्होंने कहा, जब मैं अपने काम गिनवाता हूं तो कुछ लोगों को होती है तकलीफ, पीएम मोदी। गुवाहाटी असम के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि देश में नई बीमारी आ गई है, मैं आप लोगों से अपने काम गिनाता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है लेकिन उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला।
क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना न देश को बहुत हित किया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों का इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। बिहार राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पटना हाई कोर्ट के नजदीक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को आयोजित किया गया। आयोजित हुए इस राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई राजनेता और मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि बाबा साहेब के इस जयंती के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा बिहार गीत और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है वैद्यनाथ ठाकुर, रवि यादव, एमडी सकीर हुसैन, रविशंकर, पंकज कुमार, मोहम्मद अनवर आलम, विपिन लाल वर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्ष द्वारा जांच एजेंसियों पर लगाए जा रहे आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।